व्लॉग कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज चुके हैं। लावण्या का पेपर अभी अभी ख़त्म हुआ है और मम्मी हो गए हैं तैयार। मम्मी जा रहे हैं और मम्मी को कल शाम को जाना था, बट हम कल शाम हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो बस मम्मी अभी जा रहे हैं, मैं भी चपातियाँ बना रही थी, खाना भी नहीं खा रहे थे। फटाफट इनको खाना दिया है मैंने, क्योंकि इनको लग रहा था डर कि बस निकल ना जाए। बस 10:30 आती है, बट ये 10 बजे डर है। बाय बाय। तो अभी ये जा रहे हैं और ये पहना है मैंने। तो अभी बस निकलने वाले हैं मम्मी और मैं। ये वाला नाइट सूट पहना है जो मैंने आपको दिखाया था, खुला है बट अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक लिंक, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगी। तो वो मेरा लिंक करके हैं, वो मैंने रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए मम्मी गई, मम्मी को जल्दी बहुत हो रही है। बाय मम्मी, कब आएंगे शिमला से? ठीक, बाय नानी। जोर से बोल। बाय नानी। नहीं सुनाई दिया। बाय नानी। तो जी मम्मी तो चले गए और एक एक दुखदाई लड़की इसको रोले। जब भी नानी जाते हैं ये रोती है। आजा आजा चल खाना खाएंगे। तो हस्बैंड को मैंने खाना भेज दिया है। चलो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ आज का। इतना अच्छा हो रहा है ना, नीले नीले आसमान पे सफ़ेद सफ़ेद बादल। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना आज। कल भी ऐसा था बट इतना नहीं था, आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ऐसा, और धूप खिली अच्छी सी। और अब धीरे धीरे जो है ना धूप कम हो जाती है, देखिए यहाँ तक, मतलब अब ये आगे 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 जाती रहेगी और फिर यहाँ धूप ही नहीं लगती। अब देखिए, नहीं तो हमेशा यहाँ तक आ जाती थी सुबह इस टाइम धूप, बट बहुत आगे हो गई है। और ये वाला, ये जो आगे ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर धूप आती है, बस यहाँ से पीछे धूप नहीं आती है अब नवम्बर के बाद। तो बहुत ही, मतलब 2-3 महीने बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं सर दर्द वाले ठंड में। तो ये देखिए ये हालत है मेरे घर की, मतलब इतने सारे कपड़े हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और तवे पे मैंने रोटी डाल रखी है, भूल गई थी, पापड़ बना दिया इसका। और मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी, और आज मैं मिर्च डालना भूल गई। एक मिनट पहले मैं ये रोटी देख लेती हूँ। तो लीजिए, रोटी भी पक गई। तो आज ना मम्मी निकल गए हैं, वैसे कल निकलने वाले थे जैसा मैंने आपको बताया। और अपनी तबीयत की बात करूं तो आज मतलब बहुत अच्छे से मुझे नींद आई, क्योंकि मैंने दवाइयां ली थी ना। ये देखो बाल कैसे हो रहे हैं। मैंने दवाइयां ली थी रात को, 3 टेबलेट्स है जिसमें मल्टीविटामिंस भी है, और इतनी ज़बरदस्त वाली नींद मुझे आई है ना, मैं इतने अच्छे से सोई हूँ ना, मेरे स्वेलिंग आ गई है फेस पे भी। सोई तो 12 बजे के करीब ही सोई थी, बट बहुत अच्छे से नींद आई, जो मतलब इतने दिनों से नींद नहीं आती थी ना, वो बहुत अच्छे से मुझे नींद आई। और आज मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है चक्कर सा, क्योंकि 1-2 दिन रहेगा, दवाइयाँ जो होती है ना थोड़ी हैवी होती है, एक स्टोन तोड़ने वाली है तो फिर वो टूट टूट के मतलब निकल जाएगा। तो अभी भी मुझे खाना है और मेरे को यूँ लग रहा है, चक्कर सा लग रहा है। लावण्या का एग्ज़ाम था तो मुझे जल्दी जल्दी उठना पड़ा और खाना बनाना पड़ा। फिर मम्मी को भी जाना था, क्योंकि आज पापा आने वाले हैं और मम्मी को घर में काम करना है। तो अब मम्मी शिमला चले जाएंगे, आज सैटरडे है तो पापा ड्यूटी के बाद आएंगे मम्मी को लेने, और फिर कल ये लोग निकल जाएंगे शिमला। और अब मम्मी आएंगे, मतलब शादी के नज़दीक ही आएंगे, क्योंकि दादी बुआ के घर है, मैंने आपको बताया था। तो फिर मम्मी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी साफ़ सफ़ाई का रहता है, साफ़ सफ़ाई करनी पड़ती है और बहुत सारे काम है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो वहीं से लेनी पड़ती है। तो इसीलिए मम्मी कल चले जाएंगे। तो अभी मम्मी को घर निकलना, सुबह वाली बस में मम्मी बोल रहे थे बट सुबह बहुत जल्दी हो जाता है, तो अभी मम्मी निकले हैं घर में, और घर में मम्मी फटाफट करेंगे काम, तो फिर चले गए अभी।
और इस बार मम्मी आ गए हैं क्योंकि दादी नहीं थे ना, तो अगर दादी होते फिर मम्मी नहीं आ पाते हैं, दादी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मुझे लेनी है अपनी दवाइयाँ, चपातियाँ मैंने बना ली है सारी, हस्बैंड को भी दे दिया है, बस बच्चे फ्री, सुजल की तो छुट्टी थी, लावण्या फ्री हो गया, अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं लूँगी अपनी दवाई फटाफट झाड़ू पोछा करके। आज मैं दोपहर में भी रेस्ट करूँगी क्योंकि मम्मी ने बोला 2-4 दिन इन दवाइयों से ऐसा होगा ही, सर भारी भारी सा लगेगा, सर आज मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, बट पेन मुझे नहीं है, पेन ठीक हो गई है। कल जब अल्ट्रासाउंड किया था ना तो किडनी के पास ज़ोर से उसे पुश कर रहे थे जो होता है, तो उस वजह से मुझे थोड़ी दर्द हो रही है, तो बाकी ऐसी पेन नहीं है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फटाफट अब साफ़ सफाई करती हूँ। तो जी टाइम हो चुका है 4:45 का, ये देखिए। और मेरी ना मतलब मैं आपको क्या बताऊं, सुबह से आपसे बात नहीं कर पाई, झाड़ू किया पोछा भी नहीं लगाया आज, और मेरी स्वेलिंग आ रही है फेस पे क्योंकि मुझे नींद आ रही है, दवाइयाँ खा के मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, और मेरा सर यूं घूम रहा है। फटाफट मैंने काम किया, खाना बनाया, उसके बाद सो गई। बच्चों ने सोने तो दिया नहीं, एक ने आगे गाने लगा रखे थे, एक ने टीवी लगा रखा था, फिर धीरे धीरे कर रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, बीच में कोई आते जाते रहते हैं। फिर लंच बनाया, लंच किया, लंच के बर्तन बर्तन धोए, उसके बाद अब सोच रही थी सो जाऊं, बट फिर पार्सल आ गया, तो पार्सल वाले का फ़ोन आ गया, तो बोल रहे हैं कि आ जाओ आपका पार्सल है, तो मैंने कहा भैया उठ जाओ, अब सो नहीं पाऊंगी, रात में जल्दी सो जाऊंगी, दवाइयों का बड़ा वो असर हो रहा है, मतलब ख़तरनाक वाला, नींद पूरी हो रही है, मीन्स बॉडी को रेस्ट मिलेगा। तो चलिए अब मैं ना ऊपर चलती हूँ, वो पहुँच गए हैं ऊपर। तो जी हम लोग आ गए हैं, और वो पार्सल वाला ना आगे निकल गया था, आगे वाले रोड के पास। कौन सा? तो ये आ गया है मेरा सामान, और ये बड़ा अच्छा है सिस्टम है, ये ऐसे उसमें देते हैं, है तो कपड़े ही हैं बट इसमें अच्छे से पैक करके देते हैं, ये अच्छी बात है। तो ये कुछ पार्सल आए हैं, ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं मतलब समझ सकते हैं आप मेरा मूड कितना मोटा लग रहा है ना, तो अभी मैं चाय बनाती हूँ, चाय बना कर पीती हूँ, और बाहर कोई गांव से आए हैं हमारे, उनको वो बैठे हैं सासू माँ के साथ, तो उनको भी मैं चाय देती हूँ। हट जब, पानी दे मुझे पहले, अंदर मेरा गिलास है। तो वो पार्सल वाला ना आगे निकल गया था, फिर उसको मैंने वापस बुलाया, वो मुझे आगे बुला रहा था, मैंने कहा नहीं भाई पीछे आ जा, फिर वो अभी आया पीछे, फिर उसने पार्सल दिया और लेकर आई मक्खी आ गई। तू बनाएगा चाय? मैं जा रहा हूँ अभी घूमने। वो चाय जो है वो तैयार हो गई है, और लावण्या ना कब से मेरे पीछे पड़ी है कि मम्मा ये भूनो, और ये देखो उसने ना छील कर रख दिए, बेचारी ने चारों के चारों खुद छील दिए हैं, और बोल रही है मम्मा इनको भूनो, ये उसकी दादी ने दिए थे परसों, तो हम ये तो आग पे अच्छे से सीखते हैं ना, पर कोशिश करती हूँ अब गैस पे भी अगर सीख जाए, हीटर हो हीटर पे भी अच्छे से सीखते हैं। तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, चाय के बाद मैं फिर इनको अच्छे से भूनती हूँ क्योंकि इसको बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं भुट्टे, नींबू और नमक लगा के। तो पहले हम लोग चाय पी लेते हैं क्योंकि जो मैं बोल रही थी गांव से आए वो बाहर बैठे हैं अभी, यहाँ यहीं बैठे हैं मतलब अंदर आ गए हैं, तो अब मैं पहले चाय दे देती हूँ उनको। तो ये हैं वो जिनकी मैं बात कर रही थी, जो हमारे गांव से आए हैं, मतलब गांव में भी इनका घर है हमारे घर के साथ ही, बट ये भी वहीं वहाँ पर अब नहीं रहते हैं, इन्होंने भी अपने बगीचे में घर बना रखा है जैसा कि हम लोगों ने अपने खेतों में घर बनाया है। तो गांव से ये भी थोड़ा दूर है, बट सब लोग आते रहते हैं, जैसे गाँव से या कोई और भी मिलने आते रहते हैं कभी कभी। तो अभी तक ये बाहर बैठे थे मम्मी और पापा के साथ, तो उसके बाद ये अंदर आए हैं, और यहाँ पर सासू माँ भी आ गई थी, उनके लिए भी चाय मैंने बना कर रखी हैं, वो थोड़ा लेट आई थी, अब हम सब लोग पियेंगे चाय। तो ये आए थे और अब ये चले गए हैं, सासू माई लगते हैं ये भी, और मम्मी गए हैं इनके साथ गांव दूध लेने, गांव नहीं एक्चुअली उस तरफ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, इधर ये गांव है, किधर गया वो, उधर ये इधर, तो यहाँ से इन्होंने दूध लगा रखा है, यहाँ से पुल तक ये लोग जाते हैं और पुल तक वो आते हैं दूध देने, बहुत सारे लोगों ने लगाया है हमारे गांव से, तो बस वहीं से ये दूध लेकर आते हैं, शाम शाम को 6 बजे के करीब जाते हैं, और आजकल ना अंधेरा जल्दी स्टार्ट हो रहा है, मतलब जल्दी होने वाला होता है अंधेरा, अब धीरे धीरे दिन जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, तो पहले 7 बजे तक जाते थे, अब 6 बजे निकल जाते हैं। तो मम्मी भी आए थे, मम्मी ने भी चाय पी ली, और अब हम चलेंगे अंदर, और यहाँ ना इतने सारे मच्छर हैं ना फूलों के पास, दिखेंगे नहीं अभी,
ऐसे मंडरा रहे होते हैं इतने सारे सारे मच्छर। और ये डाले हैं मम्मी ने कपड़े। और मौसम सुनिए, बाप रे गरज रहा है, गरज रहा है बहुत जोर जोर से। ये देखिए काले काले बादल हो गए हैं, बिल्कुल काले काले से बादल। और फिर बारिश होगी, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, बरसातों वाला जो फील है ना वो अब आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बरसातें हैं। और ये कपड़े अभी भी नहीं फोल्ड किए, अब देखती हूँ पहले शाम का कुछ सोचती हूँ। क्या हुआ था इसमें? अच्छा, तो शाम का कुछ सोचती हूँ और उसके बाद फिर पहले तो ये कर लेती हूँ। लावण्या ना मेरे पीछे पड़ी है, इनको भून दो, पहले इसको दे देती हूँ ये भून कर, और उसके बाद फिर देखती हूँ शाम को क्या बनेगा। सब्जी तो रखी है सुबह की, दोपहर की दाल नहीं है, अब देखती हूँ क्या बनता है क्या नहीं। अच्छे से नहीं भूनी तो ये देखिए यहाँ यहाँ थोड़ी रह गई है, इसे मैं अच्छे से कर देती हूँ। दो रह गई थी, मुझे लगा भून के रख देती हूँ, एक हस्बैंड के लिए एक सुजल के लिए। तो सुजल अभी गया है आगे घूमने, घूमने क्या मतलब उसके फ्रेंड का बर्थडे है आज, तो वहाँ उसने बुलाया है, वहाँ चला गया है वो। और आज तो बारिश ही हो रही थी, अभी गया है लेट 6 बजे, मतलब जब दादी निकले उससे पहले। तो मैं बोलती हूँ फटाफट से, इनको देख के ना खाने का मन हो रहा है, क्योंकि इसमें जैसे शिमला में ना बहुत खाते थे हम बूटे, जैसे बरसातें स्टार्ट होती थी तो यहाँ तो उस टाइम पर नहीं होते हैं, यहाँ पर अब हो रहे हैं बूटे, बट वहाँ पर जल्दी नीचे से आते थे, वहाँ पर शिमला में मतलब बाहर मंडी में आते थे, तो सब्जी मंडी में फिर वहां से लेकर आते थे, भूनते थे। पहले 10 का आता था, फिर 20 का हुआ, अब शायद 30-40 मुझे लगता है 50 का ना हो गया हो एक बूटा। तो वो अंगारों पे सेकते हैं, कोयला जो होता है ना उस पे सेकते हैं, उस पे अच्छे से सिकता है, सुलगा सुलगा के आपको अंदर तक। तो इस पे या जल जाता है या फिर कच्चा रह जाता है गैस पे, हीटर पे भी अच्छे से हो ही जाता है अगर आप जाली वगैरह कुछ लगा दो ना। तो बहुत मजा आता था, मतलब जब भी हम स्कूल से कॉलेज से जाते थे तो बरसातों में भुट्टा जरूर खाते थे। तो अभी काफी दिनों से मेरा मन कर रहा था बट मुझे मिल नहीं रहे थे, तो अभी ये मिले हैं, आजकल हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो सासू माँ ने ले दिए, तो बस अब मैं उसको एंजॉय करती हूँ। और ये देखो आवाज आ रही है। तो भुट्टा खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैंने अरहर की दाल निकाल ली है और बस अब मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो कुछ लोग इसे पहले बॉयल करते हैं बट मैं डायरेक्ट तड़का ही लगा रही हूँ, तो बस वही सिंपल सा तड़का, कुछ खास नहीं है। और आजकल ऐसे ही सिंपल खाना बन रहा है, तो दाल मैं बना रही थी और किसी ने कमेंट किया था कि आपको पथरी है और आप दाल खाते हो, तो पथरी से दाल का कोई वो नहीं रहता है, बस आपको पानी ज़्यादा पीना होता है, मुझे डॉक्टर ने सब कुछ खाने के लिए कहा है। तो तड़का मैंने तैयार कर दिया है और हमारे यहाँ इसी तरीके से दाल को बनाया जाता है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद दाल को साफ़ करके यहाँ पर दाल को मैं अच्छे से धो लूँगी 3 से 4 पानी से, और दाल को ऐड कर दूँगी और इसमें एक सीटी लगा लूँगी। ये हॉट केस ले जाना मुन्ने, लेके जा बेटे किचन में। तो जी खाना पीना हमारा हो चुका है, और इसके पीछे दरवाजे के पीछे ना इतने सारे कपड़े होते हैं, तो खाना पीना हो गया हमारा। और यहाँ पर कैसा फैला रखा है लावण्या ने, तो बंद कर दे यार, खाना खाकर ये बैठ गई है, अपने पापा से इसने फ़ोन ले लिया है, मैंने इनसे हटा लिया था फ़ोन, थोड़ी देर देती हूँ मैं ले लेती हूँ फिर ये अपने। ये देखो तो लावण्या ने क्या कर रखा है, बुक्स, और हे भगवान बीच में कपड़े। इसको ना बड़ा मज़ा आता है, जैसे कपड़े फोल्ड करती रहती है, कुछ करती रहेगी, घर घर खेलती रहेगी अकेले से ही, और ऐसा ऐसा काम करती रहेगी। और इस टॉवल को ना मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, अभी मेरी नज़र पड़ी वो भी कैमरा में जब मैंने देखा। तो दाल बनाई अरहर की, जैसा मैंने आपको बताया, सुबह की सब्जी भी थी, चपातियाँ बनाई, चावल बनाए, खाना खा लिया, बर्तन अभी पूरे के पूरे पड़े हुए हैं। तो मैं अंदर आ गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना खाना पचाती हूँ,
यहाँ चल रही थी और बाहर जाने की अब सोच रही थी, मैंने कहा चलिए। एक कमेंट आ रहा था कि दी अपना नाइट सूट जो है वो पूरा दिखाना, तो मैंने कहा चलो आपको नाइट सूट पूरा दिखा देती हूँ अंदर आके और उसके बाद करूँगी काम। तो चलिए मैं आपको पहले पूरा नाइट सूट दिखाती हूँ। तो ये है नाइट सूट का पूरा लुक। ये आपको मिल जाता है कॉलर के साथ और बटन इसमें सारे ओपनेबल है, फंक्शनेबल है और बहुत ज़्यादा लूज़ है, फुल स्लीव्स है आप देख सकते हैं। तो लूज़ मतलब मुझे मीडियम आ जाना था, बट अगर मैं लार्ज के साथ जाती तो भी खुला खुला अच्छा रहता है, बट ये एक्सल है तो ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रहा है। और आप बात करते हैं लोअर की, तो बड़ा साइज़ है, लोअर भी लंबा होगा, मैंने फोल्ड कर रखा है। पहुँच गई थी तो इस तरीके का ये लगता है, आपने देख लिया और काफ़ी अच्छा है। मुझे मैंने आपको बताया था कि मुझे लार्ज साइज में भी लूज आना था, बट ये एक्सल में मैंने मंगवा लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना लूज ये मुझे आ रहा है। तो ये शायद मम्मी को आएगा, बहुत लूज है। तो ठीक है, अब मैंने मतलब सोच रही थी पहले रिटर्न कर लूँ, फिर मुझे लगा पहले इतना लूज नहीं लगा जब मैंने पहना ना, अब जैसे पहन रही हूँ तो और लूज लग रहा है। बस अब धोकर ये ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, श्रिंक हो जाए तो अच्छा है, बट सुना है इसके श्रिंक नहीं होते, ये एज इट इज़ रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, नाइट सूट जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, लूज़ लूज़ है चलेगा। और सर्दियों में तो अंदर से ऐसे भी अब वार्मर लगते हैं। तो कमेंट था किसी का कि दी नाइट सूट अपना पूरा दिखाना, तो मैंने दिखा दिया और बाकी आफ्टर वॉश तो अब बाद में ही पता लगेगा कैसा है कैसा नहीं। अब मैं लूँगी अपनी दवाइयाँ, हस्बैंड देख रहे हैं मैच, आजकल बड़ा परेशान किया हुआ है। मतलब मेरे को ना टीवी की आवाज़ से ही अब वो हो गई है, आदत ही नहीं है, कोई टीवी और देखता है तो मेरे सर में दर्द हो जाती है। तो ये सारे ये लोग बाहर बैठे थे खाना खाने, मैच देख रहे थे और मैं यहाँ बैठी थी अपने अकेले, मैं अपना शांति से खाना खा रही थी क्योंकि बाहर इतनी ज़ोर ज़ोर से इन्होंने टीवी लगा रखा है। और क्या है बेटा ये क्या हो रहा है ये? लावण्या मैंने कितनी बार बोल दिया छोड़ दो फ़ोन, क्या प्लीज़ हो गया ना, चलो फिर हटाओ ये बेड, झाड़ो या अपना दुपट्टा, बुक्स उठाओ जल्दी जल्दी, सब कुछ उठाओ जल्दी, गंदी बात बंद करो बेटे फ़ोन, चलो सुबह उठना होता है, कल संडे है, बंद करो सारा, उठाओ ये भी उठाओ। संडे को मस्ती सूझती है पर सोना तो होता है, तुम लोगों को सोना होता नहीं, उठना भी होता नहीं, रात को सोते नहीं सुबह उठते नहीं। तो अब मैं जाती हूँ किचन में, बाहर से पानी लेकर आते हैं, पानी आ रहा है बाहर, आजकल पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। और फिर मैं बर्तन धोती हूँ, बाकी गैस वैस मैंने साफ कर दी थी, पानी आ नहीं रहा आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो आपको बिना बताया पड़ेगा, देख तो मुझे कैसे पता लगेगा, आपको एक चीज बोलनी पड़ेगी, झुमका है इसमें, टीका है, मांग टीका कैसे, वही पड़ा हुआ था यहाँ बाहर। तो अब फिर बर्तन वगैरह धो देती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ और सो जाऊंगी क्योंकि नींद जो है ना ऐसी मस्त वाली आ रही है मुझे, देखा बेटा टूट जाएगी। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड हम यहीं पर करते हैं, इसे लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ नहीं। और जो चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल मुफ्त है, आपका कुछ भी नहीं लगेगा, बस ये है कि मेरी फैमिली जो है, हमारी फैमिली जो है वो बढ़ती जाएगी। तो चलिए अब इसी के साथ मिलेंगे, इसी के साथ मिलेंगे, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं अपने न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।